वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक अंसार अबासी साहब, वेरी क्विकली मैंने आपको एक अनलॉफुल ऑफ द मेरिट मैंने आपको एक तकरीर का बताया, क्या हुकूमत इन चीजों को या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के नोट को जस्टिफाई कर सकती है? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा डायलमा ये है कि जनरली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और खास तौर पे ये जो हमारे रूल कर रहे हैं इस वक्त, इन लोगों का डायलमा ये है कि ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको अपनी जागीर समझते हैं और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको अपना पर्सनल मुलाजिम समझते हैं, ये हमारे जाती नौकर हैं, जिनका ये सबसे बड़ा डायलमा है। देखें, जिस मुल्क में जब आप पोलिटिसाइज करते हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी को और कैरियर प्लानिंग खत्म हो जाए, जब आपका एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उसको पोस्ट ऑफिस बना दिया जाए और तमाम कर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो पर्सनल विम्स और विशेष के ऊपर हों, जो कि हमारी हो रही हैं, तो ऐसे ही होगा जो आपने मिसाल दिया। और ये मिसाल आप ये देख लें, अंदाजा लगाएं कि हमारी जो इस वक्त तकरीबन 45 to 50 डिवीजन्स हैं, फेडरल डिवीजन्स हैं, आप यकीन करेंगे कि मोर देन 90% ऑफ द फेडरल सेक्रेटरीज उनका अपने डिवीजन का एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है उस डिवीजन का जिसको हेड कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में क्या पॉलिसीज बनेंगी, कहाँ मेरिट पे अपॉइंटमेंट हो सकती हैं, जब तमाम सिफारशी लोग अपॉइंट किए जाते हैं। और आपको ये भी आप हैरान होंगे सुन के, चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पब्लिक अफेयर्स विंग है वो खुद लिख के भेजता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि इस एमएलए, इस मिनिस्टर या इस शख्स की सिफारिश के ऊपर इस बंदे को यहां से वहां लगा दें, एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे लगा दें, अंडर द लॉ, अंडर द रूल, ये मिसकंडक्ट है, इसके ऊपर उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। राइट, वेरी क्विकली डॉक्टर शाहिद मसूद, एक मिनट है आपके पास मेरी सवाल का जवाब देने के लिए। जी मुबशर, इसकी तो मेरे ख्याल से बहुत आला सतह पे तहकीकात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि या तो कोर्ट को एक्शन ले या रिवर्ट हो जो भी कुछ हुआ है। और लेकिन अब बात वही आ जाती है कि क्या हुकूमत के पास इतनी अहलियत है कि वो सेक्रेटरी डिफेंस या इस किस्म के अदारों के ऊपर कोई बात कर सकें या उनके अगेंस्ट कोई काम कर सकें। तो मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ आपकी बात, बड़ा स्कैंडल है और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। नसीम तहरा साहबा जी, वेल डन मुबशर के आप ये इस चीज को सामने लेके आए एंड आई एम श्योर कि ये आप इसको सामने भी लाए और कोर्ट से इसका स्टे ऑर्डर भी मिल सकता है, आई एम श्योर यू कैन रिवर्ट इट। और मैं फिर ये कहूंगी मीडिया का ये भी रोल बनता है कि इस तरह की जो स्पेसिफिक चीजें पॉइंट आउट करें, ना कि पॉइंट आउट करें लेकिन इन पर एक्शन भी दिलवाए। यू हैव अ रिकॉर्ड जहां एक्शन भी आपने लिए ऑन वोटर्स लिस्ट वगैरह करवाए सुप्रीम कोर्ट से, एंड आई एम श्योर दिस शुड बी डन। बाकी हुकूमत के जो अपने नाअहलियां हैं और बहुत सी अपॉइंटमेंट उनकी थ्रू आउट टेन्योर, लाइक एवरी गवर्नमेंट, इन्होंने तो खैर हद ही कर दी है जो गलत अपॉइंटमेंट की है, लेकिन मीडिया का जहां तक रोल है, दिस इज अ गुड एफर्ट यू मेड और वेल डन। थैंक यू वेरी मच। मैं आप तीनों को मैं एक बात ये बता दूं कि हम और नाजरीन को भी अपने मैं बता दूं कि हम लोग जो है इसके ऊपर 1.5 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और हमने पूरा मौका दिया कि जिन साहब का हमने जिक्र किया कि वो सामने आए और इसको उनको हमने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और वो हमें बारहा ये कहते रहे कि मैं आपको कल दे देता हूँ प्रूफ, परसों दे देता हूँ, नहीं दे सके। लेकिन एक अहम खबर आज की।